दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराने ट्रक और अन्य वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उपयोग में नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना ये बाध हो चुका है, बहुत पुराने ये वाहन हो चुके हैं, इसका उपयोग अब कहीं नहीं किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप भी हुआ करता था, कह सकते हैं ये पहले का डीजल का है ये मशीन। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये डीजल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये दोस्तों ये पुरानी कौन सी मशीन है ये हमें भी नहीं पता, आप कमेंट में बताइए कौन सी मशीन है, इसका उपयोग कहाँ करते थे। ये देखिए काफ़ी हैवी मशीन है। दोस्तों यहाँ पर और भी ऐसी मशीनें हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, ना नाम पता है ना किस काम में उपयोग करते हैं वो पता है। ये सामने भी देख सकते हैं इस मशीन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं मेजा बाध का पूरा दृश्य। मेजा बाध यानी कि मिर्ज़ापुर जनपद यानी मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, हलिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पटेरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर, हलिया और पटेरा के मध्य में मेजा बाध का निर्माण किया गया। तो आज मेजाबाद के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है, बहुत ही जानकारी से भरा और सुंदर दृश्य के साथ मेजाबाद का वीडियो बनने वाला है, पीछे आप देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, यांत्रिक खंड का नाम बैराज यांत्रिक अनुरक्षण खंड वाराणसी, बाध का नाम है मेजा बाँध। गेट की साइज व संख्या बता दें 12 मीटर गुड़े 6.09 मीटर, 13 गेट यहां पर लगाया गया। निर्माण वर्ष की बात करें तो 1989 का है। परियोजना का नाम मेजा सिरसी अधवा बाँध एवं घाघर बैराज के गेटों के जल यांत्रिक संयंत्रों के पुनरुद्धार आधुनिकीकरण परियोजना है। परियोजना का कार्य मेजाबाद के गेटों के सुपर स्ट्रक्चर पर ड्यूरासाइन सीट से शेडिंग कार्य तथा गेटों पर एपॉक्सी पेंटिंग कार्य। परियोजना की लागत बता दें आपको 312.51 लाख रुपए हैं। कार्य का वर्ष 2020-21 का है। परियोजना ये निर्माण किया गया था इस बात का 1989 में। तो चलिए चलते हैं आगे दिखाते हैं, वीडियो मन तक बने रहिएगा। दोस्तों इस डैम से जो रास्ता ये गया है सामने, ये चला जाएगा पटेरा ब्लॉक, यानी यहाँ से आप संत नगर दीपनगर भी जा सकते हैं। लगभग दूरी की बात करें तो 15 से 16 किलोमीटर दूरी पटेरा ब्लॉक की है और उससे नज़दीक ही है संत नगर और दीपनगर। और इधर ये रास्ता चला जाता है आपका हलिया, हलिया विकासखंड के लिए रास्ता चला जाता है। यहाँ से हलिया विकासखंड की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास की है। और ये डैम की स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं उधर, आपको दिखाते हैं पूरा दृश्य। अभी इधर ये डैम का गेट बंद है क्योंकि पानी अभी नहीं है, सूख गया है। जब पानी भरा होता है तो काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है यहाँ से। ये देख सकते हैं ये डैम के गेट का ये पिलर है जो फुल्ली लोहे का बना हुआ है और काफ़ी मजबूत स्थिति में है ये। ये देख सकते हैं ये जब बरसात का समय होता तो ये पूरा जलमग्न दिखाई पड़ता, जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है ये खाली, ये पूरा जलमग्न होता है। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं जो ये कक्ष बना, ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पर बिना आज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। और इस डैम के लोकार्पण की बात करें यहाँ पर, ये मेजाबाद उच्चीकरण जनपद मिर्जापुर का लोकार्पण माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह मंत्री सिंचाई एवं गन्ना विकास उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। होने की बात करें तो ये देख सकते हैं 1997 में इसका निर्माण सम्पन्न हुआ था। इस डैम यानी जलाशय के मुख्य आंकड़े की बात करें तो आप देख सकते हैं कैचमेंट एरिया
2020.20 वर्ग किमी में है और शीर्ष स्तर यानी क्रेस्ट लेवल की जो स्थिति है वो 171.907 मीटर की है। पूर्ण संचय स्तर द्वारा शिखर तक आने की स्थिति देखिए 178.003 मीटर की है। अधिकतम बाढ़ स्तर 179.079 मीटर की है। बाद की ऊपरी सतह तक जलाशय यानी पानी आने का स्तर जो है 180.442 मीटर की है। बाद की जो ऊपरी चौड़ाई है वो 7.620 मीटर की है। बाद की लंबाई की बात करें तो ये है 2.85 किलोमीटर की है। ये आप पूरे आंकड़े को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सिरसी बाँध प्रखंड मिर्जापुर मेजाबाद जलाशय का ये मुख्य आंकड़ा है जो इस बाँध से संबंधित है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस तरफ से इस डैम की स्थिति की बात करें तो ये इस प्रकार से दिख रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से जलस्तर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है लेकिन काफ़ी दूर तक है यहाँ से पानी का पहुँच। दोस्तों इधर देख सकते हैं काफ़ी खाली एरिया है और आगे गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। और यहाँ पर खास बात करें तो सोलर पैनल लगाया गया ताकि रात में भी आसानी से रोशनी लोगों को आने जाने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करने के लिए भी मिल सके। ये यहाँ से बांध का ये आखिरी स्टेज है, ये देख सकते हैं यहाँ से सूर्य की रोशनी काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। ये यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है क्योंकि अभी कुछ माह पहले यहाँ पर एक दुर्घटना हो गया था, बस एक्सीडेंट हो गया था, तो इस पर भारी वाहनों को, ये देख सकते हैं मेजा बांध, भारी वाहनों को जाना वर्जित है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये इस बांध के लिए गेस्ट हाउस है। इधर एक छोटा सा ये तिराहा है और आगे आपको गांव का एरिया दिखाई पड़ जाएगा जो पटेरा रोड पर आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं छोटे छोटे घर इधर भी हैं। दोस्तों ये एरिया है मेजा बांध के भंडारण के लिए, यानी कि जो भी सामान उपयोग वाली चीज़ें हैं वो यहीं पर हैं। यहाँ पर आपको इनके वाहन के गैरेज भी दिखाई पड़ जाएंगे, जो शेड बना हुआ टीन शेड ये वाहन के गैरेज के लिए, और आपको यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये गैरेज से पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप भी हुआ करता था, कह सकते हैं ये पहले का डीजल का है ये मशीन। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये डीजल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लीटर, यानी कि जो इस बांध से संबंधित वाहन चलते थे उनका जो फिलिंग स्टेशन हुआ करता था वो यही है। यहाँ पर उनके टैंक हुआ करते थे, ये देख सकते हैं टैंक का स्थान। आजकल के भी पेट्रोल पंप पर आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा टैंक, ये उसके अवशेष आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये फायर के लिए जो बाल्टी लटकाई जाती है जिसमें पानी और बालू हुआ करता है ये वो स्टैंड है, अब भी पेट्रोल पंप पर इस तरीके से दिखाई पड़ जाता है। हालाँकि अब तो फायर के लिए नई नई तकनीकी आ गई हैं लेकिन ये पहले की स्थिति ऐसी थी। दोस्तों ये पुरानी कौन सी मशीन है ये हमें भी नहीं पता, आप कमेंट में बताइए कौन सी मशीन है, इसका उपयोग कहाँ करते थे। ये देखिए काफ़ी हैवी मशीन है। दोस्तों यहाँ पर और भी ऐसी मशीनें हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, ना नाम पता है ना किस काम में उपयोग करते हैं वो पता है। ये सामने भी दे सकते हैं इस मशीन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराने ट्रक और अन्य वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उपयोग में नहीं है क्योंकि बहुत पुराना ये बांध हो चुका है, बहुत पुराने ये वाहन हो चुके हैं, इसका उपयोग अब कहीं नहीं किया जाता है। उस समय तो
उपयोग का महाराजा राजा यही हुआ करता था, ये ट्रक और अन्य छोटे बड़े वाहन। आपने वहाँ देखा था डैम का पूरा दृश्य, और डैम में उपयोग करने वाली जो यंत्र हैं, वाहन हैं, वो यहाँ पर रखे जाते थे उस समय। अब भी हैं, पुराने हो गए तो अब भी हैं। चलिए चलते हैं, आगे भी आपको डैम के बारे में जानकारी देते हैं। इनका देहराज स्थल दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर कुछ चीज़ों का कार्य भी चल रहा है। डैम में कुछ काम लगा हुआ है, देख सकते हो वहाँ मशीनें, मिक्सर मशीन है सीमेंट का, और यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग अभी सिरसी डैम के ऊपर से चल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ रास्ता कैसा है। ये डैम के लिए ऊपर जाने का ये सीढ़ी रास्ता है, और यहाँ से आपको आगे ये नज़दीक तक जाने के लिए रास्ता बनाएगा। हालांकि यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं दृश्य, कितनी खूबसूरत दृश्य है इस डैम का। दोस्तों, सिरसी मेजाबाद डैम से यानी बांध से हलिया और आसपास के ब्लॉक जैसे लालगंज हो गया, पटेरा हो गया, और वक्त पड़ने पर प्रयागराज में भी पानी की सप्लाई यहीं से की जाती है। किसानों के लिए सिंचाई का जो साधन है वो डैम के द्वारा ही किया जाता है, इस पार्क के द्वारा ही किया जाता है। बांध के जलाशय की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं बीच बीच में नाव चल रही हैं जो मछली पकड़ने का काम कर रही हैं। ये देख सकते हैं इधर भी है, इधर भी है, कई नाव हैं जो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। नाव भी है और वो ट्यूब्स में हवा भर करके उससे भी ये काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार का दृश्य इधर से देखने को मिल जाएगा आपको। ये देखिए सूर्य की किरण कितनी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल येलो कलर। और ऊपर से ये नीचे का दृश्य देख सकते हैं कितना, हम लोग ऊंचाई पर चल रहे हैं। दोस्तों, हम डैम के निचले भाग पर जा रहे हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से। यदि पानी यहाँ पर भरा होता तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता, बिल्कुल ख़तरा हो जाता जाने के लिए। पानी नहीं इसलिए यहाँ तक आ पा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से डैम के निचले हिस्से का आप दृश्य देखिए, काफ़ी सुंदर दृश्य है। दोस्तों, आपको एक खास चीज़ बता दें, आप इधर के एरिया में देख सकते हैं ये पूरा सपाट बनाया गया है नहर की तरह, और इसके सामने जो दूसरी तरफ है वहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है। अब नहीं पता ये क्यों बनाया गया, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि उधर सीढ़ी बनाई गई है और इस साइड में बिल्कुल सपाट दिया गया है, कारण क्या है इसके पीछे आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब इस गेट से पानी छोड़ा जाता है तो ज़बरदस्त दृश्य देखने को मिलता है लोगों को। हम इस सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए हैं, नीचे से आपको ये दृश्य दिखा दें, क्या ज़बरदस्त ये डैम का दृश्य है। ये दे सकते हैं सुंदर दृश्य। गेट की बात करें, इसमें गेट की संख्या आपको बता देते हैं, यहाँ पर कुल 13 गेट है जहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। ये दे सकते हैं यहाँ से पानी गिरते हुए दूसरे खंड में जा करके इस पहाड़ों से होते हुए नहर में पहुँचता है। दोस्तों, ये डैम का बाहरी भाग है, देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर
बनाया गया है, बिल्कुल पहाड़ी की तरह ये दिख रहा है। दोस्तों इस डैम का पानी छोटे छोटे नहरों में निकाला जाता है, जैसे ये देख सकते हैं, ये यहाँ से निकाला गया है और ये नहर से होते हुए किसान तक ये पानी पहुँच जाता है। अभी पानी छोटे छोटे सुराख से निकल के आकर देखिए इकट्ठा होकर के यहाँ से एक छोटा धारा बन गया है और ये काफ़ी दूर तक आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे यहाँ से ही पानी आपको कोटा घाट ब्रिज के नीचे से जो बेलन नदी के पास जाता है वहाँ तक मिल पाता है। ये यहाँ पर पानी छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों ये जो नीचे पानी छोटे से जगह से जा रहा है, आपको जूम करके दिखा दें, ये देख सकते हैं ये पानी ये मेजाबाद का ही है, आता किधर से आपको दिखा रहे हैं। ये पानी आपको ये स्थान यहीं से नीचे से होकर के नहर में जाकर मिलता है। ये देखिए ये यहाँ से पानी की स्थिति और यहाँ से ये पानी जाता, आवाज़ आपको सुनाई पड़ जाएगा यहाँ से नज़दीक जाने पर हमारे। ये यहाँ देख सकते हैं ये वो स्थान बनाया गया जहाँ से पानी आपको उस नहर पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सोचिए कि डैम को बनाने में कितने मैकेनिज्म, कितने दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से आपको मुख्य द्वार दिखा दें, ये देख सकते हैं ये मेन गेट वहाँ है। ये इस तरीके से छोटे छोटे गेट बनाए जाते हैं ताकि पानी की जो आपूर्ति है किसानों के लिए होते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने लोगों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भाग आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।